चलो जी, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बाय द बैक मैन फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस। ओके जी, तो इसमें क्या क्या हमने देखना है, इसका अपरेटस, इसका प्रोसीजर, कैलकुलेशन, और एंड पे एक छोटा सा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फेनोमेना। ओके, अब अपरेटस में क्या है, इसके थ्री मेजर पार्ट्स हैं। एक फ्रीजिंग ट्यूब है जिसके साथ क्या है, साइड आर्म लगा हुआ है। जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर। इसी में हम सॉल्वेंट डालते हैं, इसी में बाद में हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें एक फिटेड होता है स्टीरर, स्टीरर पता है ना, हलाने वाला, और बैकमैन थर्मामीटर होता है। इसके अलावा एक अदर जो है वो क्या होती है जी, एक आउटर लार्जर ट्यूब होती है इनटू विच द फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग ट्यूब जो है उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें एक एयर जैकेट होती है, किसके दरमियान, वो जो आपकी फ्रीजिंग ट्यूब्स होती है, ठीक है, और एक आउटर कवर होता है उसके दरमियान, जार होता है उसके दरमियान, जो क्या करती है, जो इजीली और स्लोली और मोर यूनिफॉर्म जो है हमें इसमें क्या मिलता है जी, रेट ऑफ कूलिंग मिलता है। फिर उसके बाद लार्ज एक जैकेट होता है, ठीक है, ये अपरेटस आपके सामने, ये देखो ये वाली जो है इसको हम क्या कहते हैं आपकी जी, फ्रीजिंग ट्यूब्स है, जिसके ऊपर ये आउट एक आर्म है, साइड आर्म, ठीक है, ये इसमें थर्मामीटर है, ये स्टीरर है, इसमें हम क्या फिलअप करते हैं जी, इसी में हम सॉल्वेंट रखते हैं, फिर बाद में सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, ये आपकी एक और फिटेड ट्यूब है जिसके अंदर, इसी के अंदर है, जिसको एयर जैकेट कहते हैं, और ये बाहर की जानब जो है ये क्या होता है आपका जी, जार होता है लार्जर, और इसमें हम क्या बनाते हैं जी, फ्रीजिंग मिक्सर, जो हमारी हेल्प करता है किसमें जी, इसमें कि कूलिंग में। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, हमने 20 से 25 ग्राम सॉल्वेंट लेना है डायरेक्टली, ठीक है, किसमें लेना है जी, अपनी वो जो फ्रीजिंग ट्यूब्स है उसमें ले लिया, उसके अंदर थर्मामीटर आपको पता है पहले ही होता है मर्च, और वो थर्मामीटर जो है वो सॉल्वेंट में उसका जो बल्ब है वो डीप होना चाहिए। ठीक है, समझे बात की, फिर इससे क्या होगा, देन फर्स्टली जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट्स है वो हम डायरेक्टली मेजर कर देंगे बगैर किसके रखे हुए, वो जो आपकी फ्रीजिंग ट्यूब है एंड द फ्रीजिंग मिक्सर। ठीक है, उसके बाद जो फ्रीजिंग ट्यूब्स है वो जो एयर जैकेट था उसमें क्या करना है आपने, उसमें रखना है और स्लोली उसको फ्रीज करना है। ठीक है, और बेसिकली इसके बाद, इससे पहले आपने क्या करना है पता, आपने जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट का क्या कर लिया जी, डिटरमाइन कर लिया एक्यूरेटली, उसको नोट कर लेना, फिर उसको दोबारा बाहर निकालना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्वेंट को रीमेल्ट करना है, रीमेल्ट करने के बाद उसका वेट अमाउंट जो है वो आपने सॉल्यूट की जो है ना वो 0.2 से लेकर 0.3 ग्राम उसमें साइड ट्यूब में जो डाल दी। उसके बाद फिर हम फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का करेंगे, साथ साथ उसको स्टीरर करेंगे, हिलाएंगे। ठीक है, कैसे जी, ये देखो जी, इसमें फिलअप करना है आपने, ये एयर जैकेट के बगैर डायरेक्टली इसके ऊपर रखना है, फ्रीजिंग के ऊपर पहले सॉल्वेंट को मालूम करना है, फिर इसमें आपने ऐड कर देना है 0.2 से 0.3 ग्राम सॉल्यूट ऐड करके इसको स्टीरर करना है, और थर्मामीटर से इसके टेम्परेचर को भी क्या करते जाना है, मेजर करते जाना है। फिर मेजर करने के बाद आप जो है इसमें क्या करते हैं जी, कैलकुलेशन, फिर हम डिफरेंस मालूम कर लेते हैं गिवन बाय दी डेल्टा टी ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पता है ना T1 और T2, आपको पता है दोनों का, T1 जो होगा वो ज्यादा होगा, T2 जो होगा वो कम होगा। T1 किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का, T2 किसका होगा, सॉल्यूशन का। ठीक हो गया, और फिर इसके अलावा हम इसका मोलर मास या मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का इस फार्मूले से डिटरमाइन करेंगे, m इज इक्वल टू kf ओवर डेल्टा टी है मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 ओवर W1। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं बॉइलिंग पॉइंट सैलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फेनोमिना, ये कुछ इंपॉर्टेंट दी हैं। अब पीछे अभी आपने पढ़ा कि हम इसकी मदद से मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। इसके अलावा जो लिक्विड रेंज होती है ना सॉल्यूशन की,
वो सल्यूट ऐड करने से उसमें क्या होता है, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होती है, कमी विद लोअर वेपर प्रेशर। इसकी सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ये जो गाड़ियाँ होती हैं इसमें पानी डालते हैं, इसमें रेडिएटर होता है जिसका काम क्या होता है, इंजन को क्या करना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके अंदर एक एंटी फ्रीज डाला जाता है, सल्यूट डाला जाता है जिसे इथाइलीन ग्लाइकोल कहते हैं। इसको पानी के साथ मिक्सअप किया जाता है और ये पानी के साथ कम्प्लीटली मिसेबल नहीं होता, नॉन वोलाटाइल भी होता है, ठीक है। तो इससे क्या क्या होता है, ये तो एक क्या कर देता है, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उसको लोअर कर देता है और इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट्स है उसको भी लोअर कर देता है और इसके बॉइलिंग पॉइंट को रेज कर देता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे जो रेडिएटर होता है वो सर्दियों में फिर क्या होगा, वो जो सर्दियों में ना फिर वो फ्रीजिंग से और गर्मियों में बॉइलिंग से क्या हो जाता है, बच जाता है। और इस तरह जो गाड़ी हैं कार वगैरह वो इजीली रन अप कर सकती हैं। इसके अलावा ये NaCl, ये सॉल्ट है KCNO3, आपको पता है कि हम जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है वहाँ पे रोडिंग के ऊपर इसको फिराते हैं ताकि इससे क्या होती है जी, आइस मेल्ट हो जाती है। इसके अलावा जो आइसक्रीम मशीन होती है उसके अंदर भी हम इसको एंटी फ्रीजिंग डालते हैं। आम कॉमन देखा होगा ये जो होते हैं वेंडर्स, उन्होंने जो बनाते हैं मुख्तलिफ आइसक्रीम वगैरह, उन्होंने क्या डाला होता है जो उसमें आइस डाली होती है और बीच में सॉल्ट डाला होता है और सारा दिन जो है वो कूलिंग रहती है, ठीक है, ड्यू टू दिस फिनोमेना। ओके जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा का कोई सवाल है तो बताएं, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।